विशाल जी, भारत हिंदू राष्ट्र है, इस सच्चाई को हिंदू ज्यादा रहते हैं। सुन लीजिए, हाँ। ये तकलीफ, सुन लीजिए, तकलीफ नजर आ गई। मैंने कह दिया, मैं हिंदू ज्यादा रहते हैं, हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदू ज्यादा रहते हैं। जानते हैं, हाँ। इस सच्चाई को क्यों नहीं स्वीकारा जाता? क्योंकि इसको एक संकुचित मानसिकता में रखकर इसकी व्याख्या की जाती है। ऐतिहासिक सत्य, तर्कपूर्ण सत्य, अनुभव आधारित सत्य, जो समस्त मत, पंथ, संप्रदाय सबको एक साथ लेकर चलने वाला अगर कोई एकमात्र दुनिया का विचार है तो वो हिंदुत्व का विचार है। हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि उत्तरम यद समुद्रस्य हिमाद सयो दक्षिणम तम देव निर्मित देशम हिंदुस्तानम च प्रचक्षते। ये बात आज तो नहीं लिखी गई है। तो ये जानते हैं, ये संकुचित मानसिकता को रखकर भ्रम पैदा किया जाता है। हिंदू आते ही जैसे लगता है कि अरे क्या बोला, अरे भैया हम इस भारत माता के संतान है, हमारे पूर्वज हैं, हम सबको साथ, आपकी पूजा पद्धति कुछ भी हो भैया जी, आप किसी को भी धर्म पंथ संप्रदाय को मानने वाले हो, विविधता तो प्रकृति का श्रृंगार है, इस विविधता को लेकर एक साथ लेकर चलने वाला, विश्व को अगर कोई एकमात्र वसुधैव कुटुंबकम का विचार देने वाला विचार है तो हिंदुत्व का विचार है, तो भारत हिंदू राष्ट्र है, इससे आप इनकार कैसे कर सकते हैं? मुझे एक चीज बताइए, जितने भी व्यूअर यहां खड़े हैं, मैंने ये तो नहीं कहा, अरे रुको जय श्री राम, मजेदार बात बताएं, बड़ी मजेदार, रुको जय श्री राम, बड़ी मजेदार बात यह, मजेदार बात तो है, इसलिए कह रहा हूं, मजेदार शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं बहुत माफी के साथ, सीताराम कह लो, जो भी कह लो, कि ये बात निकली कहां से? निकली वहां से जहां सारे लोग इस बात पे बैठ के डिस्कशन कर रहे थे कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक हैं, और वहां पे पैदा हो गया इत्तेफाक, वहां पैदा हो गया, बात यह हो रही थी कि सब एक हैं, और वहीं पे मामला हुआ कि मंच छोड़ के जैन मुनि चले गए और उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, आप गलत कह रहे हैं, ओम और अल्लाह कैसे मिला दिया आपने, वो कैसे हो सकता है, लेट हिम कंप्लीट देन आई विल कम यू जी। तो मैंने आपसे कहा ना, अभी आपने कहा ना कि सबको, सभी एक हैं, अरे तो हिंदुत्व यही तो है सबको लेकर एक साथ चलने वाला, फिर बताइए आप, मुझे है विभेद, लेकिन ना उसको जानबूझकर एक संकुचित मानसिकता के मद्देनजर व्याख्या करके नैरेटिव सेट की जाती है। अरे हमारा सनातन सत्य, हमारी आध्यात्मिकता, हमारी पहचान है हिंदुत्व, इससे आप इनकार कैसे कर सकते हैं भैया जी? और सुनिए एक बात और, इतिहास को झुठलाया नहीं जा सकता, इतिहास को झुठलाया नहीं जा सकता। बैठिए दया जी, आ रहा हूं जी। नहीं देखिए, बात विशाल साहब ये कह रहे थे, मुझे तो लगता है मेरा संविधान सबको साथ में लेकर के चलने की बात करता है, और उसी संविधान के अंदर देश जो है वो सेकुलर मुल्क है, और उस सेकुलरिज्म की बात माननीय प्रधानमंत्री जी भी करते हैं। तो विशाल साहब आप कह रहे हैं देश हिंदू राष्ट्र है और संविधान कहता है देश जो है वो सेकुलर है, तो इस चीज में अगर विरोधाभास है तो फिर माननीय प्रधानमंत्री जी गलत कह रहे हैं या विशाल मिश्रा जी गलत कह रहे हैं, दोनों में से एक आदमी तो गलत कह रहा है। देखिए अब यहीं पे मैं अपने जब्बार मित्र भाई बंधु को व्याख्या दे दूं, अभी मैंने क्या कहा, इसकी व्याख्या करके ही भैया जी ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश, सुन लीजिए, संकुचित मानसिकता, अभी इन्होंने कहा ना कि संविधान हमारा सबको लेकर एक है सेकुलर, हमने कब कल कहा, सुनिए पंथ बात, सेकुलर का मतलब सुन लीजिए, सेकुलर का जो शब्द है उसको बोलिए, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, तब यही तो अभी मैंने कहा, आपकी पूजा पद्धति कुछ भी हो, आपका विश्वास कुछ भी हो, हमारा विश्वास कुछ भी हो, हम सबको साथ लेकर समेट कर एक लेकर चलने का विचार ही तो मुश्किल ये है कि मैं ऑफकोर्स बिल्कुल बोलिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, मुश्किल ये है कि सब कह रहे हैं कि हम साथ लेकर चलना चाहते हैं लेकिन चलना कोई नहीं चाह रहा, दिक्कत यही, गोटी यही फंसी हुई है ना जी। सबरता भी हमें यही सिखाती है कि हम लोग सब एक है, अब ये थोड़ी ना कि हम मोमडन है तो ये हमारे भाई नहीं है या ये हमारी बहन नहीं है, सब एक साथ है, लेकिन कोई भी एकजुट होके नहीं चलना चाहता, सब अलग अलग क्यों है,
क्यों क्यों एक साथ नहीं रहना चाहते सब क्यों साथ। हाँ जी, जी मेरे हस्बैंड हैं ये। हाँ जी, इनके पॉकेट में देखो क्या है, आप लोग देखो, ये देखो, ये देखो क्या है, देखो क्या है, ये गीता है, गीता है ये, बताओ तो। अब मान लो हम मॉमडन है तो हमारे जेब में ये क्यों है, गीता क्यों है, क्यों है, पूछे कोई हमसे, बता क्यों क्यों गीता क्यों है, पहले मैं जानना चाहता हूँ गीता क्यों है आपके। हम लोग सभ्यता को मानते हैं, ये नहीं है कि ये हिंदू हैं तो इनकी गीता हमें क्यों पढ़नी है, हमें तो अपना कुरान पढ़ना है। अरे हम तो अपने बच्चों को ये सिखाते हैं गीता भी पढ़नी है, कुरान भी पढ़ना है, अच्छे से देश को चलाना है।